चलिए बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड में ये बोला गया है कि विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्लॉक वाइज। इसका मतलब ये है कि आप कौन सी डायरेक्शन फेस करोगे जब आपका स्टार्टिंग फेस ईस्ट की तरफ होगा, यानी पहले आप जो स्टैंड होंगे वो ईस्ट की तरफ होंगे और फिर एक रिवॉल्यूशन का 1/2 जब पार्ट कंप्लीट करोगे तो आप कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। ठीक है, देखिए मैं इस एग्जांपल से समझा रही हूँ आपको। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड का। देखिए, देयर आर फोर डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यहाँ पे नॉर्थ होता है हमारा, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और हमें क्लॉक वाइज जाना है। सबसे पहले आपका जो स्टार्टिंग फेस है वो कहाँ पर है, ईस्ट की तरफ। तो देखिए, आपका स्टार्टिंग जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे स्टैंड है ईस्ट पे, देखो ये रहा ईस्ट। अब यहाँ से आपको क्लॉक वाइज जाना है, ठीक है, यहाँ से आपको क्लॉक वाइज जाना है। तो आप कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हो, उसने ये भी लिखा है कि 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। तो 1/2 मल्टीप्लाई 360, क्योंकि इसमें देखो ये लिखा है ना फर्स्ट पार्ट में 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, ये। तो इसको सॉल्व करो, 1/2 × 360, तो इसको सॉल्व करके आ गया, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 180 डिग्री। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 180 डिग्री कंप्लीट करना है। आप स्टार्टिंग फेस आपका यहाँ पे था ईस्ट की तरफ, तो ये 90 का होता है। देखो, देयर आर फोर क्वाड्रेंट, आपको पता है ये पहला क्वाड्रेंट, ये 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। तो आप ना यहाँ से स्टार्ट करके 180 डिग्री आपको कंप्लीट करना है। तो ये 90 + 90, तो ये 180 हो गया। तो जब 180 डिग्री आपका कंप्लीट हो गया तो आप वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है, और जाना आपको क्लॉक वाइज है। तो यहाँ से 90 से स्टार्ट किया, ईस्ट की तरफ से स्टार्ट किया और आपने 180 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, क्योंकि 90 और 90 ये हो गए, यहाँ पे 180। तो इसका मतलब आप कौन सी डायरेक्शन पे आ गए, वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे वी विल फेस वेस्ट डायरेक्शन, पूछा था ना उसने कि कौन सी डायरेक्शन आप फेस करोगे, तो आप लिखोगे वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब देखो सेकंड पार्ट देखो, इसका बी पार्ट देखो। बी पार्ट में ये बोला गया है कि ईस्ट की, जब आपका फेस होगा ईस्ट की तरफ एंड मेक 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्लॉक वाइज। तो देखिए कैसे करेंगे, तो वन एंड हाफ का मतलब हो गया ये 2 × 1 = 2, 2 + 3, ये हो गया 3/2। फिर से देखिए, 2 × 1 = 2 + 1 = 3, 3/2, 3/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन यानी 360 डिग्री। तो जब आपने इसको कैंसिल आउट किया 2 के टेबल से, तो ये 180 पे कट गया। तो 180 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना आ गया, 540 आ गया। अब आपको 540 डिग्री यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आपका स्टार्टिंग फेस कहाँ पे था, ठीक है, ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट ये है आपका, इधर से स्टार्ट किया हमने। अब हमने 540 डिग्री कंप्लीट करना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से जाएंगे, ये क्वाड्रेंट कितने का है, 90 + 90 कितना हो गया, 180 + 90 यहाँ तक कितना हो गया, 180 + 90 कितना हो गया, 270 + 90 कितना हो गया, 360। अब 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री में फिर से 90 आगे बढ़ना है आपको। देखो मैंने यहाँ पे प्लस करके दिखाया है, 360 डिग्री में जब 90 प्लस किया यानी फिर से यहाँ पे प्लस किया तो 450 में फिर 90 प्लस किया तो कितना आ गया, 540। तो आपको कितना कवर करना था, यहाँ पे 540 डिग्री कवर करना था। तो आप ईस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट हुए और जब हम यहाँ पे क्लॉक वाइज चले, ठीक है, ये क्लॉक वाइज हमने यहाँ पे मूवमेंट की है। देखो यहाँ से पहले ऐसे 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 पूरा यहाँ तक 360 था, 360 में ये वाला 90 प्लस किया तो हमारा 450 हो गया, 450 में फिर 90 प्लस किया तो कितना आ गया, 540। ओके, और हम किस डायरेक्शन में आ गए, वेस्ट की तरफ। तो लिखेंगे कि वी विल फेस, कौन सी डायरेक्शन हम फेस कर रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन। ओके, इज इट क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट देखिए इसका। सी में ये दे रखा है कि व्हेन यू फेस, देखो अब अगर आप अब आपका जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है एंड मेक 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉक वाइज। अब देखो इसमें एंटी क्लॉक वाइज आ गया, तो एंटी क्लॉक वाइज कैसे करना है उसको देखिए। देखो यहाँ पर 3/4, तो क्योंकि इसने लिखा था ना यहाँ पर ये 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, तो आप करेंगे 3/4 × 360। जब मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो ये 90 हो गया, 90 × 3 ये हो गया 270। अब आपको कैसे जाना है, डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉक वाइज।
और आपका स्टार्टिंग फेस किसकी तरफ था? स्टार्टिंग फेस है आपका वेस्ट की तरफ। देखो ये रहा वेस्ट, पहले आप यहाँ पर हो, पहले जो आपका फेस है यानी आप जो स्टैंड हो, आप जो खड़े हो वो यहाँ पर हो, और अब आपको एंटी क्लॉक वाइज मूव करना है, तो आप इधर से मूव करेंगे, आप ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे। और जो क्लॉक वाइज होता, अगर क्लॉक वाइज होता तो फिर मैं उसको मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करती, ऐसे, ठीक है। लेकिन अब एंटी क्लॉक वाइज है तो ऐसे जाना है, ऐसे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से पहले 90, ठीक है, क्योंकि हमारा 270 डिग्री आया ना, 270 डिग्री कंप्लीट करना है। 90 प्लस 90 ये हो गया 180, 180 प्लस 90 ये हो गया 270। तो 270 हमने यहाँ पे जाके कवर किया। तो यहाँ पर अगर हमने कवर किया तो ये डायरेक्शन कौन सी आई? ये डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ, तो वी विल फेस नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। वेन एवर यू विल गो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है, फ्रॉम द साइड, कौन सी साइड से आप कर रहे हो? वेस्ट से एंटी क्लॉक वाइज, देन इन लास्ट यू विल रीच एट डायरेक्शन नॉर्थ। सो वी विल फेस नॉर्थ डायरेक्शन, ओके। लास्ट लास्ट है इसमें डी, साउथ एंड मेक वन फुल रिवॉल्यूशन। देखो फुल रिवॉल्यूशन का मतलब है कि पूरा एक सर्कल आपको कंप्लीट करना है, पूरा एक राउंड कंप्लीट करना है। देखिए कैसे, वन फुल रिवॉल्यूशन का मतलब है 360 डिग्री पूरा कंप्लीट करना है। और आपका स्टार्टिंग फेस है साउथ की तरफ। तो अब देखिए, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि आपको क्लॉक वाइज जाना है या एंटी क्लॉक वाइज जाना है। तो दैट मीन्स कि आप इसमें क्लॉक वाइज भी मूव कर सकते हैं और एंटी क्लॉक वाइज भी। देखो लिखा है मैंने यहाँ पे क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, कैसे भी जा सकते हैं आप। तो साउथ से अगर आपने स्टार्ट किया, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ से ऐसे घूमना शुरू किया, ये आपका जा रहा है क्लॉक वाइज। मान लीजिए अगर मैंने साउथ से पूरा घूम के एक सर्कल कंप्लीट किया 360 डिग्री, तो दोबारा मैं साउथ पे ही आ गई, दोबारा जो डायरेक्शन है वो उसी पे ही आ गई मैं, ठीक है, क्योंकि वन फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना था। तो इसीलिए इसका आंसर आएगा, अगर कभी भी आपसे ये कहा जाए कि एक फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट करो, तो जिस डायरेक्शन से आपने स्टार्ट किया है आप वापस उसी डायरेक्शन पे आ जाएंगे, तो लिखेंगे वी विल फेस साउथ डायरेक्शन, ओके। सो इन दिस वे योर थर्ड पार्ट इज कंप्लीट। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड यू पार्ट 4, ओके। हैव ए नाइस डे।